अरे कहाँ गया भाटी जी, कहाँ गया वो पहलम आला खाना वाला, कहाँ गया पहलम आला खाना वाला, कहाँ गया अरे कहाँ गया, कहाँ रे गया ओ, ओ पहलम आला खाना वाला, कहाँ गया पहलम आला खाना वाला, कहाँ गया। से अपने यार की तरक्की से अपने पड़ोसी की तरक्की से खुश हो। आज मेरा काम सही चल रहा है, मेरा पड़ोसी जलने लगेगा, जाने कहां से नंबर दो का धंधा करने लगा है। तो उसकी मेहनत और ईमानदारी को नहीं देखते लोग। आज अगर कोई यार किसी परिवार में दूसरे में ज्यादा उठ बैठ हो जाए और उसके घर में माता बहन है, कोई जवान लड़की है, लेकिन क्या वो उसे भाई मानती है, वो उसको बहन मानता है, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे, अरे मामला गलत। आज वो समय आ गया है। पहली कली के माध्यम से प्रेमी श्रोताओं क्या बता दिया, पहलम याले भाई बहन बुआ ना रहे, मीठे बोल राम राम तू ना रहे, पहलम याले भाई बहन बुआ ना रहे, पानी का सहारा जोड़ कुआ ना रहे, दो बैलों की जोड़ी हल जुआ ना रहे, दो बैलों की जोड़ी हल जुआ ना रहे, दो बैलों की जोड़ी हल जुआ ना रहे, सर पे तो गुण ठाती आज पणिहारी दिखे ना, गुरुकुल आला ज्ञान गुरु से चेला सीखे ना, बाबा सामी पोते आज चलते नहीं के ना, खेतों आली बाट अब पढ़ती दिखे ना, खेतों आली बाट अब पढ़ती दिखे ना, खेतों आली बाट अब पढ़ती दिखे ना, अरे कहाँ गया कहाँ रे गया ओ चौपाड़ों पे बतलाना, आज कहाँ गया चौपाड़ों पे बतलाना, आज कहाँ गया। अब आता बेटे सभी मेरी माता बहने पल्ला करके बैठी हैं सब, लेकिन आप शहरों में जाकर देख लीजिए ना, तो ये पता चला ये लड़की जा रही है, ना पता चला ये लड़का जा रहा है। लड़कियों ने तो कटिंग करवा ली, लड़के बाल बढ़ाने लगे, क्योंकि शर्म बहुत कम बची हुई है। अगली कली के माध्यम से क्या बता दिया भला, चीर अब घूंघट गाती ना, सर पे दखनी चीर अब घूंघट गाती ना, घर में बढ़ती डिबिया अब दीवे बाती ना, सावन में बागों में बीर झूलन जाती ना,
धोरे से बिठा ले ऐसे संगी साथी ना, धोरे से बिठा ले ऐसे संगी साथी ना, धोरे से बिठा ले ऐसे संगी साथी ना। पहलम याले अब तो कुठला कोठी ना मिले, पहलम याले अब तो कुठला कोठी ना मिले, बाल क्या के सर पे रखते चोटी ना मिले, बेझड़की जो खाया करते रोटी ना मिले, पहलम याले घर घर झोटा झोटी ना मिले, पहलम याले घर घर झोटा झोटी ना मिले, पहलम याले घर घर झोटा झोटी ना मिले। बाबा जी आप पहल की लाइन सुन ली, एक मिनट को थोड़ा सा कष्ट कर दो, खड़े हो जाओ, एक मिनट को खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, बाबा ने खाई है बेझड़ की रोटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मेरी बात में सच्चाई हो तो उस कवि के लिए तालियां जरूर बजानी है। आज हमारे बड़े बुजुर्ग हुए और मैं इनके चरण ले रहा हूं, बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये लाइन आज के नौजवानों पर फिट बैठती है। अरे पहलम याले घर घर झोटा झोटी ना रहे, पहलम याले घर घर झोटा झोटी ना रहे, अरे कहां गया कहां रे गया, उदाहरण दिया था कि बाबा जी की आज भी मूछे मर्दों वाली लग रही है, लेकिन आज के जो नौजवान साथी मूछ रखनी छोड़ दी। बहुत कम गांव ऐसे बचे हैं नौजवान साथी हमारे जो पहलवानी का शौक रखते हैं, अब कहां खड़े चलते हैं, कोई गांव में खड़ा नहीं चलता, सब शौक छूट गए। अगली गली के माध्यम से क्या बताते गुरु जी, जोर पहलवानी ना रहे, पहले आले आज हवा पानी ना रहे, अखाड़ों के जोर पहलवानी ना रहे, पहले आले आज दाता दानी ना रहे, गुड्डे गुड़िया और राजा रानी ना रहे, गुड्डे गुड़िया और राजा रानी ना रहे, गुड्डे गुड़िया और राजा रानी ना रहे, पहले आले आज बेली बेला ना रहे, आज चौड़ी छाती आले आज छेला ना रहे, पग्गी टमटम अरथ मझोली ठेला ना रहे, पहले आले सच्चे मजनू लैला ना रहे, पहले आले सच्चे मजनू लैला ना रहे, पहले आले सच्चे मजनू लैला ना रहे, अरे कहां गया कहां रे गया, वो मुकदड़ का उठाड़ा आज कहां गया, मुकदड़ का उठाड़ा आज कहां गया, बेटे
बोली बसी है इस भजन की। और जब कोई कवि कविता लिखने बैठता है अपनी लास्ट की चार लाइनों में पूरा दिलो दिमाग लगा देता है। कवि ने बताया कि वो पुराने हकीम, वो पुराने वैद, वो पुरानी दवाइयां कहां चली गई। आज कोई देसी दवाओं पर विश्वास नहीं करता। जब तक जेब से पैसा ना जाए, कोई सभी आज देख लो हॉस्पिटल कितने पब्लिक पैसे भर रही है। डॉक्टर यू सोच रहे हैं मरीज को चार दिन तक ऐसे रख ले ऑपरेशन थिएटर में, आज इनको लग रहा है आराम। लेकिन अगर देसी दवाओं का यूज किया जाए तो मर्ज जो है, हालांकि थोड़ा लेट आराम करती है लेकिन मर्ज को खत्म कर देती है लास्ट गली के माध्यम से। क्या लिखते गुरु जी? पुराने से बाटों की तुलाई अब कहां, पहले आले वैद्य और दवाई अब कहां, पुराने से बाटों की तुलाई अब कहां, चर चर करती चरखे की कताई अब कहां, ब्यासादी में पत्तल की जिमाई अब कहां, ब्यासादी में पत्तल की जिमाई अब कहां, ब्यासादी में चार दिन डटे थे रिश्तेदार अब कहां, घर की चक्की पिशा करती नार अब कहां, नरेश चंद को सिखला प्यार अब कहां।